हाय फ्रेंड्स, चलिए आज मैं मेरी मम्मी की एक रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये है रेड चिल्ली पिकल, या फिर इसे लाल मिर्ची का ठेचा बोल सकते हैं, या फिर हम इसे मारवाड़ी में झगड़ा भी बोलते हैं, जिसे मिर्ची को कूटकर या फिर इस तरीके से एकदम फाइनली चॉप करके भी बनाया जा सकता है। तो आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। ये वाली मिर्ची सर्दियों में अभी अवेलेबल होती है, कोई भी सब्जी वाले के पास आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये मैंने लाल मिर्ची ले ली है, देखिए ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और दो यहाँ पे कैरी ले ली है। अब मैं यहाँ पे इसका आधा ही बना रही हूँ, तो एक ही कैरी यूज़ करूँगी और आधी लाल मिर्च यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे वजन में ये आधा किलो के करीब है। अब इसे हम इसकी स्टेम निकाल देंगे और स्लिट करके इसके अंदर जो बीज है वो निकाल देंगे। बीज निकालने से इस मिर्ची का जो तीखापन है वो कम हो जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बीज को रख सकते हैं, पर बीज डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बीज आप निकाल दें। बीज से एसिडिटी भी होती है, तो इस तरीके से आप बीज निकाल दें इसके। और ये बीज आप प्लांट में लगा सकते हैं, गमले में, जिससे कि ये मिर्ची फिर से ग्रो हो सकती है। अगर आपके पास बहुत सारी जगह है तो आप इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं ये वाले बीज डाल के। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा चॉप कर दूंगी, और ये मेरे पास चॉपर है, इसके अंदर मैं डाल के इसे चॉप कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस मिर्ची को आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, पर मिक्सर ग्राइंडर में ये फिर चटनी के जैसा बन जाता है, तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। ये मिर्ची आप पराठा या फिर रोटी या फिर पूरी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग में भी इसे आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चॉपर में अब चॉप करके डाल दी है रफली, और इस तरीके से हम इसे चॉप कर देंगे। फ्रेंड्स, ये चॉपर बहुत ही हेल्पफुल होता है, आप इसे ज़रूर खरीद लें। अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ के भी मिलते हैं, मेरा यहाँ टपरवेयर का है। ये देखिए, ये यहाँ पे अभी फाइनली चॉप हो गई है ये, तो इसे मैं एक अलग बोल के अंदर ले लूँगी। ये बनाने में इतनी आसान है, और आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, फिर चाहिए उतनी निकाल के यूज़ करके फिर से बॉटल को स्टोर में रख सकते हैं फ्रीज़र में, जहाँ पे आइस जमता है हमें ये वहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे मैं ये एक कच्ची कैरी है, इसे भी छील दूँगी और इसे मैं ग्रेट कर दूँगी। फ्रेंड्स, अभी कैरी भी आने लग गई है। कैरी इसमें डालने का पर्पज़ ये होता है कि इससे कैरी से मसाला अच्छा बनता है उसका, और ये थोड़ी खट्टी और थोड़ी तीखी इस तरीके से लगती है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मिर्ची में फिर ये डालने से खटाई की ज़रूरत भी नहीं रहती है। अब यहाँ पे 1/4 कप के जितनी मैं सौंफ को दरदरी पीस लूँगी। मिक्सर में ही हमें पीसना है पल्स मोड पे, जिससे कि ये दरदरी पीसी जाए। पल्स मोड मतलब कि उल्टी तरफ हमें मिक्सर चलाना है 1 सेकेंड के लिए। अब इस प्लेट में हम सारे मसाले निकाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाला है, राई की जो दाल होती है वो डाली है, मेथी डाली है, और थोड़ा सा हींग ले ली है, और तेल ले लिया है 1/4 कप के जितना। तो ये सब हमें पहले इकट्ठा करना है, और तेल को मैंने गरम रख दिया है एक पैन में। फ्रेंड्स, ये राई का तेल है, तो इसे हमें धुआं आने तक गरम करना है। जैसे ही धुआं आए, आप आँच बंद कर दें और फिर इसके अंदर हींग डालें, और जो हमने सौंफ दरदरी पीसी थी और नमक दोनों डाल दें। इससे नमक और सौंफ और हींग डालने से इसका जो मॉइस्चर है सौंफ में और नमक में वो जल जाता है, और अचार काफ़ी टाइम तक टिकता है ये मिर्ची का। अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे राई की और मेथी की, और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम आँच को फिर से चालू करेंगे और कैरी जो हमने ग्रेट की थी वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें अभी स्लो आंच के ऊपर चलाते रहना है इस तरीके से, जब तक कैरी का
पानी जल नहीं जाता है तब तक हमें इसे 2 से 3 मिनट तक चलाना है और मसाला सारा इस कैरी के अंदर मिक्स कर देना है, है ना। कितना टेस्टी लग रहा है मसाला। अब जो मिर्ची हमने चॉप की थी उसको इस तरीके से आप दबा के उसके अंदर का जो पानी है वो आप इसके अंदर डाल दें। इससे क्या होगा, मसाला थोड़ा सा पक भी जाएगा और पानी नहीं रहेगा पीछे मिर्ची में, तो मिर्ची काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। अब यहाँ पे हमने चॉप की हुई जो मिर्ची है वो अंदर डाल देंगे और इस सब को हम अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता है। इसे हार्डली 2 या 3 मिनट तक चलाते रहना है और फिर आँच को हमें बंद कर देना है। तो ये देखिए, मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और ये कितनी फटाफट 10 से 15 मिनट में ही बन गई है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पूरे साल इस तरीके से बना के। अब यहाँ मैंने एक नींबू का रस डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। मेरी यहाँ पे जो कैरी है वो खट्टी नहीं थी, तो खट्टास बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया। आप इसे एक बार टेस्ट कर लें, ये मसाले वगैरह जो भी है वो टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अब हमने आँच बंद कर दी है और एक स्टरिलाइज की हुई बॉटल में हम इसे भर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ इस मसाले में हम हल्दी और लाल मिर्ची नहीं डालते हैं क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी तीखी होती है और लाल कलर बना हुआ रहे इसलिए हम हल्दी नहीं डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। मिलती हूँ कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।